टुडे वी हैव डिस्कस हियर अबाउट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम लोग अगर चेक करना हो कि कोई मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो सबसे पहले हम लोग अगर कोई मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, उसके ऑर्थोगोनल होने के लिए दो कंडीशंस हैं। या तो ए का ट्रांसपोज अगर लें, वो इक्वल होना चाहिए ए के इनवर्स के, या ए को अगर ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होना चाहिए ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें उसके, और ये दोनों जो चीज़ें एक को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज को ऐसे, तो तब आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या होती है, अगर टू क्लास टू के लिए आइडेंटिटी देखें, 1 0 0 1 ये होती है आइडेंटिटी की वैल्यू। कोई भी हम लोग क्वेश्चन उठा के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी को उठा के चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 ये है हम लोगों के पास ए, ये अगर हम लोगों के पास, तो इसका जो ट्रांसपोज है रो फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम, ये ट्रांसपोज आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पे ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, ये चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फाइनली इसका आंसर हम लोगों के पास आइडेंटिटी आ गई है। फिर जब ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज ए, इसमें भी यही करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फाइनली इसमें भी हम लोग के पास आंसर आइडेंटिटी आ गया। हम लोगों को चाहिए क्या था कि जब हम ए को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें या ए के ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो आइडेंटिटी आ गया, तो इस मीन्स दैट कि ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है।